कबूतर है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे भाई बेटे पकड़ो, बेटे पकड़ो, ये देखो कबूतर आए हैं हमारे यहाँ। ये मेरी छोटी बहन है और हम लोग आए हैं भजन कीर्तन में, आज इनके यहाँ भजन कीर्तन था। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे कबूतर हैं जो अभी उड़ाए जाएंगे। आप सभी लोग बने रहिएगा हमारे साथ, पूरा वीडियो देखिएगा, हम आपको उड़ाते हुए भी दिखाएंगे कबूतर। और भी है, ये देखिए एक और भी है, चार कबूतर है। ये देखिए मम्मी लिए हैं, ये हमारी चंचल बिटिया है, वो खेल रही है कबूतर के साथ। ये देखिए ये भैया एक लिए हुए हैं, और कितने लिए हैं टोटल? चार, चार कबूतर हैं। अभी हम आपको दिखाएंगे, आप कैसे पकड़ेंगे। ये देखो छोटी बिटिया भी कबूतर के साथ खेल रही है। ये देखिए अली, रुको रुको भाई, प्यारी करो, प्यारी करो, प्यारी करो, जल्दी करो, आगे आगे बढ़ो। मम्मी ये देखो, कोमल जिंदा की वीडियो बना जा रही, छोड़ ले इधर, फोन रखा मेरा, ये रुको इधर भैया, आसमान में छोड़ देंगे, आजाद कर गुड़िया 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 गुड़िया, फिर से ले ए तो ये पास रहा है, कुछ खाने के लिए मांग रहा हुआ ना। हाँ भूखा प्यासा भाई, दादा को बहन के घर में कीर्तन था, तो हम लोगों को आने में बहुत देर हो गई थी। हम लोग आए हैं करीब 3:30 बजे यहाँ पहुँचे हैं। 2 बजे से हम लोगों को बुलाया गया था, लेकिन हम लोग काफ़ी लेट पहुँचे थे। और बहन की ननद भी आ गई हैं, और अब आप सभी लोग देख लीजिए कि ये कबूतर हैं जो कि भैया लाए थे। आज ये कबूतर उड़ाएंगे, क्योंकि आज इनके घर में कीर्तन था, माता जी का अष्टमी है आज, तो इन्होंने कबूतर मंगाए थे, कबूतर उड़ा देंगे आज। ऊपर चले गए, वो देखो सब उड़ रहे हैं यार, वो देखो क्या चीज। हाँ कोई बात नहीं, कबूतर देखकर बच्चे बहुत खुश हुए हैं, बहुत ज्यादा ये लोग धूम मचाए हैं। चिड़िया तो देखी है, लेकिन इतने पास से अभी तक नहीं देखी थी, और आज इन्होंने कबूतर देखे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कितने ढेर सारे बच्चे आज पड़ोस के भी आ गए हैं, और देख रहे हैं कि ये कबूतर उड़े हैं। तो उड़कर सबसे पहले छत पे गए हैं, छत पे बैठे हैं, उसके बाद ये अपनी अपनी दिशा में उड़ गए हैं। दोस्तों ये बहन का घर है, और ये चला गया, चला गया। आस पड़ोस का सीन है जो मैंने थोड़ा सा शूट किया है, और अब हम सभी लोग घर जाने की तैयारी करेंगे, क्योंकि कबूतर भी उड़ा दिए गए हैं, और शाम भी होने वाली है, अष्टमी की पूजा भी सभी को घर पे करनी है। ओहो, एक पैर कहाँ है इनका, छन छन बिटिया इधर देखो, ओफो मिट्टी इधर देखो, दर्शिका यहाँ आओ, दीदी के पास मिट्टी, हाँ यहाँ आओ, हाथ पकड़ो। बच्चों ने सबसे ज्यादा मस्ती की है दोस्तों, क्योंकि बच्चों को नानी मौसी बुआ सभी लोग एक साथ मिल रहे हैं, तो बच्चे बहुत खुश हैं और बहुत एंजॉय भी कर रहे हैं। ये छनछन और हमारी दर्शिका, ये दोनों बहुत घूमी हैं, बहुत खेली हैं, कहाँ जा रही हो, सब लोग साथ में थे तो इनको बहुत अच्छा लग रहा था। बात बात पे नखरे दिखाती है छनछन, तो नखरे ही दिखा रही है, और ये कुछ भी बात नहीं मान रही है, रोड पे लौट जा रही है, लेट जा रही है, तो सब लोग देख देख के बहुत हंस रहे हैं। और ये थोड़ा घूमने की ज्यादा शौकीन है, तो इनको टहलना घूमना ज्यादा अच्छा लगता है। और छनछन इतना घूमी है, इतना टहली है कि इन्होंने अपने कपड़ों की लैस तक निकाल दी है, इनके कपड़ों की लैस भी निकल गई है एक पैर का, तो पूरा इसको हम फोल्ड कर देते हैं ताकि इनको दिक्कत ना हो, नहीं तो ये फंस के गिर जाएंगी। तो इनको फोल्ड भी इनकी ड्रेस कर दिया, देख सकते हैं आप लोग, ये रोड पे डांस कर रही हैं और मचल रही हैं, कह रही हैं अभी हम और घूमेंगे। और इधर जो हमारी सिस्टर हैं, उनकी ननद आई हुई हैं, तो वो अपने साथ में एक कछुआ लेकर के आई हैं, जिसको देखने के लिए बच्चे बहुत बेचैन हो रहे हैं कि कछुआ कैसा लगता है देखने में। इन्होंने बताया है कि हम कछुआ लेकर के आए हैं, तो सभी लोग भीड़ लगा लिए हैं। और ये कछुआ एक टब में लेकर के आई हैं, यानी कि बाल्टी में लेकर के आई हैं,
और ये देर से आई हैं, तो अभी पूजा का जो प्रसाद था, सुहाग वगैरह जो दिया जाता है वो इनको दिया गया है अभी अभी। और ये देर से आई हैं क्योंकि इनकी तबीयत थोड़ा सही नहीं थी, इस वजह से ये लेट हो गई हैं। और ये कछुआ लाई हैं, आप लोग देख सकते हैं ये वाटर कूलर में कछुआ रखा हुआ है, और हम सभी लोग जिद कर रहे हैं कि इस कछुए को बाहर निकालिए, हम भी देखना चाहते हैं। तो ये कछुआ निकाल रहे हैं बाहर, आप लोग भी देखिए कितना बड़ा कछुआ है। ये कह रही हैं कि हमारे घर के बगल में ही कोई तालाब है जहाँ से ये इस कछुए को पकड़ी थी और लेके आई हैं यहाँ पर, अपने मायके में लेके आई हैं। और सभी लोग देख रहे हैं, बच्चे देख देख के बहुत खुश हो रहे हैं कछुआ, क्योंकि बच्चों ने देखा है कछुआ लेकिन इतने पास से नहीं देखा। आज ये सब बहुत पास से कछुआ देखे हैं तो इनको बड़ा अच्छा लगा सुबह सुबह इन लोगों ने। बच्चों ने कबूतर भी उड़ाए हैं, कबूतर भी इतने पास से देखे हैं, कबूतर को छू करके भी देखा है, और आज इन लोगों ने कछुए को भी छू करके ही देखा है। तो बच्चे बहुत खुश हुए हैं कछुआ और कबूतर देखकर। अब हम आपको थोड़ा सा माता जी का मंदिर भी दिखा देते हैं, क्योंकि मंदिर तो मेन है। माता जी की अष्टमी पूजा थी आज, और बहन के घर में कीर्तन भजन का भी प्रोग्राम रखा गया था, तो कीर्तन भजन हो गए हैं। और मैंने मंदिर का वीडियो शूट नहीं किया था क्योंकि जब हम आए थे उस टाइम भजन कीर्तन हो रहे थे और हम लोग नहीं शूट कर पाए थे, तो हमने सोचा थोड़ा सा आपको मंदिर भी दिखा देते हैं। ये माता जी का मंदिर है, और ये कमरे में मंदिर रखा हुआ है, और बाहर बरामदे में भजन कीर्तन हुआ है क्योंकि पूजा हो चुकी है और शाम के बजने वाले हैं 5। तो अभी हम घर के लिए निकल रहे हैं क्योंकि घर में भी पूजा आरती करनी है, तो इसलिए हम लोग जा रहे हैं। और अभी मम्मी चाय पी रही हैं, तो मम्मी चाय पियेंगी जब तक हम बाहर टहलते हैं, टहलेंगे और उसके बाद सीधा हम लोग घर चले जाएंगे। और गाड़ी भी मेरी आगे खड़ी हुई है, भाभी हैं, देखिए भाभी भी बिल्कुल रेडी हैं चलने के लिए, टहल रही हैं। और ये हमारी गाड़ी भी खड़ी हुई है, ये आपको दिखाई दे रही होगी शायद, ये छोटी बहन है आ रही है। जो हम सब लोग बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और बस मम्मी चाय पी रही हैं, चाय पी लें फिर उसके बाद हम लोग निकलते हैं। बैक करो, बैक करो, अच्छा इधर ही चलना है। और ये देखिए हम ये फूल भी ले जा रहे हैं, ये प्रसाद है, ये फूल है। अभी कल घर पे भी पूजा होनी है तो घर के लिए भी फूल अभी से हम ले जा रहे हैं, अभी शाम को भी पूजा होगी। तो ये देखिए सिस्टर के यहाँ बहुत सारे फूल आ गए थे, तो यहाँ से हम लोग भी थोड़े थोड़े फूल ले जा रहे हैं। पूजा हो चुकी थी और यहाँ का डेकोरेशन भी हुआ था, ये डेकोरेशन के लिए फूल आए थे लेकिन डेकोरेशन हो नहीं पाया क्योंकि सब लोग बहुत लेट आए थे, तो डेकोरेशन नहीं हो पाया है। तो ये सारे फूल बच गए हैं जो कि अभी हम ले जा रहे हैं और कल घर पे सजाएंगे। कल का भी वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे क्योंकि कल मम्मी के यहाँ कीर्तन है और कल नवरात्र भी ख़त्म है, कल नवमी है, तो आप सभी लोग कल का भी वीडियो देखिएगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों। तो चलिए अभी तो हम चलते हैं, घर की तरफ जा रहे हैं। ये देखिए मम्मी जी चाय पी रही हैं, और ये मम्मी जी, दोनों मम्मी चाय पी रही हैं, और हम अंदर से बाहर और बाहर से अंदर लगाए हुए हैं क्योंकि हमें घर जाना है और घर जाने के लिए हमें बहुत देर हो रही है। तो अभी इनकी चाय देखिए पूरी पूरी अभी बाकी है, अभी उसको पीने में 2 से 3 मिनट लगेगा। और ये मेरी तीसरे नंबर और वो बैठी हुई है वो सबसे किनारे, वो उनको बहुत ही ज़्यादा जल्दी हो रही थी, वो ओला भी बुक कर रही थी, उनको ओला भी नहीं मिली है, तो वो भी हमारे साथ जाएंगी। और नहीं मेरी अपनी पर्सनल गाड़ी है, इनकी गाड़ी है, इनकी गाड़ी है, इनके पास गाड़ी है लेकिन इनके हस्बैंड लेके गए हैं, वो अपना ऑफिस गए हैं ना, तो वो लेके गए हैं गाड़ी, इनके पास अपनी गाड़ी खुद की है। इसलिए यहाँ है, ये चाय पी रहे हैं, इन्होंने आज कबूतर छोड़े हैं क्योंकि इनके घर में आज कीर्तन था, तो आज इनको माता रानी बहुत ज्यादा आशीर्वाद देंगी, इनकी सारी मनोकामनाएं भी पूरी करेंगी क्योंकि इन्होंने आज 3-4 कबूतर छोड़े हैं और बहुत सारी तालियां बजाई हैं माता जी के कीर्तन में, और बहुत काम भी किया है, भक्तों को इन्होंने चाय नाश्ता मिठाई सेवा बहुत करी है, तो माता रानी बहुत खुश होंगी इनसे। और आप लोग भी दुआ करें कि इनके सारे काम पूरे हो जाएं जो भी ये चाह रहे हैं। और अभी हम चल रहे हैं, फिलहाल हमें बहुत देर हो रही है।